यकीनन यहाँ पर आते वक्त इस बारिश ने मुझे भिगा दिया था और यहाँ से जाते वक्त भी ये बारिश मुझे बुरी तरह से भिगाने वाली है। ये बारिश अब रुकने नहीं वाली। ऑल राइट, मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज मैं आया हूँ राई और वाकी के बीचों बीच कहीं पर मौजूद इस बड़े से चीकू के बाग के अंदर। और यहाँ पर आने के पीछे का मेरा कारण है तेंदुआ। कुछ समय से यहाँ पर तेंदुए की गतिविधियों को देखा गया है और आज मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ वहाँ पर लगभग 4 या 5 दिन पहले एक तेंदुए के पैरों के निशानों को देखा गया था। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ बिल्कुल अकेले और साथीदार के तौर पर मेरे साथ है ये डंडा जो मेरी हिफाजत करेगा अगर तेंदुए से मेरा सामना हो जाए तो। वैसे हिदायत के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके इलाके में, आपके खेतों में या बाग के या गांव के कहीं पर भी तेंदुए रहते हैं तो अगर आपको जाने की नौबत पड़े तो कभी भी अकेले बाहर मत जाइए, हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेकर जरूर जाइए। लेकिन मैं यहाँ पर बुरी तरह से अकेला हूँ, पूरी तरह से भी और बुरी तरह से भी, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है कि अगर मैं किसी को ज़ोर से चीख कर आवाज़ भी दे दूँ तो शायद कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर अकेले आने के पीछे का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि भगवान ना करे अगर आपको ऐसे जगह पर अकेले जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ बुनियादी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप तेंदुए से हिफाजत कर सकते हैं अपनी। जैसे कि आगे चलते वक्त हमेशा 4-5 कदमों के बाद पीछे मुड़कर ज़रूर देखिए, क्योंकि तेंदुआ बहुत ही होशियार विड़ालवंशी है, वो हमेशा पीछे से हमला करना पसंद करता है। तो अगर आप पीछे अपनी नज़र बनाए रखेंगे तो उसे लगेगा कि ये इंसान सतर्क है और आसान हदफ नहीं है, तो वो आप पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा आपको नीचे बैठने की अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खेतों में अक्सर किसी ना किसी काम की वजह से नीचे बैठना पड़ता है, फसलों को काटने के लिए, फसल को बोने के लिए, या जैसे कि मुझे इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है नीचे झुकने की क्योंकि मेरे जूते के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बारिश हो रही थी। इस पिक्चर पर खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल होता है और मैं बारिश में पूरी तरह से भीग चुका हूँ। ये देखिए तो ज़रा इस इलाके को कितना घना है। ओके, और ये देखिए मेरे जूते को, पता है इसमें कितना पानी भर गया है। ऑलराइट, काफ़ी सारा पानी था, इस पानी की वजह से वज़न भी बढ़ रहा है और चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको इस तरह से नीचे झुकने की या बैठने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे झुकने पर इंसान छोटा दिखाई देने लगता है, नीचे बैठने पर इंसान बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिखता है और तेंदुआ जो है वो ऐसे छोटे मोटे जीवों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। तो हमेशा सतर्क रहना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे पेड़ हैं तो उन पेड़ों के ऊपर भी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि तेंदुआ दुनिया का एकमात्र ऐसा विड़ालवंशी है जिसको पेड़ों पर चढ़ने की खास सी महारत हासिल है। तो इसीलिए पेड़ों पर नज़र रखना ज़रूरी है, अगर ऐसी घनी घास है तो वहाँ पर भी नज़र बनाए रखिए। पक्षियों की चिलचिलाहट को नज़रअंदाज मत कीजिए क्योंकि वो जंगल का अलार्म सिस्टम होता है। ऐसी घनी जो घास है उसका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि आप यहाँ से नहीं देख सकते कि वहाँ पर कौन है, लेकिन उसके उस पार छिपा कोई भी जीव आपको आसानी से देख सकता है क्योंकि आप तो खुले में है। इसीलिए ऐसे इलाकों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मान लीजिए आपको ऐसे घने इलाके से गुज़रना है और गुज़रते वक्त अचानक से आपके सामने कोई तेंदुआ आ जाए, यहाँ से या कहीं से भी सामने अगर वो आ जाए तब आप क्या करेंगे? मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ आपको। नंबर 1, अपनी पूरी जी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, मरने की एक्टिंग करेंगे ज़मीन के ऊपर लेटकर। या नंबर 3, जहाँ पर है वहीं पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर उसका सामना करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो आप जान से जा सकते हैं, क्योंकि तेंदुआ इंसान से बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। वो दुनिया का सबसे एक पल के लिए मेरी दिल की
एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। ओके, मैं बहुत ही बुरे एरिया में खड़ा हूँ, देखिए तो यहाँ पर हर तरफ घनी झाड़ियाँ हैं और मैं बीच में खड़ा हूँ। पता नहीं, ऐसे इलाके में हल्की सी आवाज़ भी आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। तो मैं ये कह रहा था कि तेंदुआ दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले विड़ाल वंशियों में से एक है, इसीलिए भागने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन है। अगर आप नीचे ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करेंगे तो आप सच में मरेंगे, क्योंकि तेंदुए के लिए तो आप एक आसान हदफ है, आपको वो किसी परोसे हुए खाने की तरह देखेगा कि बस उसे आना है और खा जाना है। इन शिकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कोई शिकार ज़िंदा है या मरा है, वो आपको बस हज़म कर जाएगा। तो सही ऑप्शन है, जहाँ पर आप है वहीं पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाइए और उसका सामना कीजिए। सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में अगर डंडा है तो उसे फेंक कर मारिए या फिर पत्थर उठा कर मारिए, यह गलत होगा। अगर आपके पास ये डंडा है और आप उसे फेंक कर मार देंगे तो आप निहत्ते हो जाएंगे और निहत्ता शिकार सबसे आसान हो सकता है। इसीलिए इस डंडे का इस्तेमाल उसे मारने के लिए नहीं करना है, उसे डराने के लिए करना है। आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए, डंडे को ज़मीन पर पटक लीजिए या हवा में लहराइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जिससे कि उसे ऐसा लगे कि आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। और अगर उसे ऐसा लगता है आपका कॉन्फिडेंस देखकर और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, तो वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये जानवर बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, ये मच्छर इतने होशियार नहीं होते, लेकिन तेंदुए होते हैं। इसीलिए ज़रूरत है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहीं पर खड़े रहने की, और अगर वो पीछे मुड़ जाता है तो आप भी धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाइए, लेकिन पीछे भी नज़र रखिए, क्योंकि ऐसे में आप किसी टहनी से टकरा कर या पत्थर से फिसल कर नीचे गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी नज़र को पीछे भी रखिए, उसके ऊपर भी रखिए और धीरे धीरे से वहाँ से निकल जाइए। एक बार अगर आप उससे पर्याप्त दूरी पर पहुँच जाए तो फिर आप जल्दी से जल्दी उस इलाके से रवाना हो सकते हैं। यही सही तरीका है अगर आपका सामना तेंदुए से हो जाए तो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर तेंदुआ वहाँ पर आ जाए तो क्यों ना उसे मार दिया जाए या फिर उसे पकड़कर कहीं और छोड़ दिया जाए, लेकिन ये सब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के समस्या का समाधान नहीं है। दिक्कत यह है कि अब जंगल ख़त्म होने लगे हैं, जानवर यानी कि उनके शिकार अब लगभग विलुप्त होने लगे हैं, तो ऐसे में इन विड़ाल वंशियों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए वो आसान शिकार के लिए और अच्छे इलाके के लिए गांवों की तरफ, खेतों की तरफ और ऐसे घने बाग बगीचों की तरफ रुख कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा होशियार जानवर है, हमें ही होशियारी दिखाते हुए एहतियाती तदाबीर करनी होगी। रात के वक्त ऐसे इलाके में आना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि रात के वक्त मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये रात को सक्रिय होने वाला एक ज़बरदस्त खतरनाक होशियार जानवर है, इसीलिए रात में वो आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकता है। और मेरे ख्याल से अगर इन छोटी मोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में आप लाते हैं तो कितने भी घने जंगल में आप रहते हो, कभी भी आपको जानवरों से कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। और मैं अब यहाँ से रवाना होने वाला हूँ, इस लकड़ी को यहीं पर छोड़कर जाऊँगा ताकि किसी और के वो काम आ जाए। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नया एपिसोड आ चुका है जिसे हमने ऐसे ही एक चीकू के बाग में शूट किया था, तो FWC नेटवर्क पर आप उसे देख सकते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है, हालाँकि बारिश के मौसम के शुरुआती दिनों में ही हमने उसे शूट किया था, अब तो काफ़ी बारिश हो गई है तो मामला बदल गया है, लेकिन हाँ एपिसोड काफ़ी रोचक है, मज़ेदार है, आपको देखकर मज़ा आएगा। तो देखना मत भूलिए सिर्फ FWC नेटवर्क के ऊपर। और मेरे ख्याल से बातचीत अब बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। सी यू नेक्स्ट टाइम।